हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुचि, डू इट विद रुचि में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको ऐसी केक की रेसिपी बता रही हूँ जिसको आपको बेक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको गैस जलाने की इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सिर्फ ये ओरियो बिस्किट और ब्रेड से बन करके तैयार हो जाएगा केक, और इतना टेस्टी लगेगा कि बाजार का केक भी इसके सामने फेल है। तो आइए देखते हैं फिर। तो मैंने यहाँ पर ये 10 रुपये वाले 4 ओरियो बिस्किट लिए हैं, तो इसको खोल लेंगे और एक बोल में हम रख लेंगे सारे बिस्किट। अब हमें इसकी क्रीम अलग करनी है और बिस्किट अलग करने हैं। तो जो इसकी क्रीम है इसको हम साइड में चाकू से हटा देंगे और साइड में एक प्लेट पे रख देंगे। इस तरीके से हम सारे बिस्किट की क्रीम अलग कर देंगे और बिस्किट अलग रख लेंगे। तो ये मैंने क्रीम हटा दी है। तो अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें हम सारे बिस्किट तोड़ के डाल देंगे, क्योंकि हमें इसका पाउडर तैयार करना है जिससे कि हम केक की फ्रॉस्टिंग करेंगे। तो इसको हम पीस लेंगे बारीक। तो मैंने इसको बिस्किट को पीस कर एक बारीक पाउडर तैयार कर लिया है। तो इसको एक बोल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब हम दूध लेंगे। तो दूध हमें ना तो ज़्यादा ठंडा लेना है और ना ही गर्म, तो रूम टेम्परेचर का हम दूध लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। एकदम से हम ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे, बस थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। तो थोड़ा सा हमें थिक लग रहा है, तो थोड़ा सा 2-3 चम्मच दूध हम और डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो इससे हम केक की फ्रॉस्टिंग करेंगे। बिल्कुल चॉकलेट वाला, चॉकलेट फ्लेवर का केक हमारा बन करके तैयार होगा। तो ये हमारी फ्रॉस्टिंग तैयार है। तो जो क्रीम हमने निकाली थी बिस्किट की, तो वो हम ले लेंगे, थोड़ी सी ही लेंगे, आधी ले लेंगे बिस्किट की क्रीम। और इसमें हम 3-4 चम्मच मिल्क पाउडर डाल देंगे और अब हम इसमें दूध डालेंगे। तो दूध हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। तो इससे हम जो केक के ऊपर क्रीम होती है वो तैयार करेंगे, जो व्हिप्ड क्रीम आती है वो वाली। तो ये क्रीम हमारी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में रेडी है। तो इसको हम एक कोन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, घर में ही एक कोन बना ली है इस तरीके से। आप मार्केट में जो कोन मिलती है रेडीमेड वो भी ला सकते हैं। तो इसमें हम इस क्रीम को फिल कर देंगे। इसी तरीके से हम सारी क्रीम इसमें कोन में फिल कर देंगे और इसको हम फ्रिज में रख देंगे। अब हम शुगर सिरप तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच चीनी ले ली है और इसमें हम पानी डाल देंगे, 1/4 कप पानी डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर देंगे। चीनी को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे पानी में और उसको साइड में रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसिस लिए हैं, तो इसकी जो साइडेड हैं जो ये हम हटा देंगे चाकू की हेल्प से। और इसी तरीके से हम ब्रेड की स्लाइसेस हटा देंगे। तो हम इसकी 4 लेयर का केक बनाएंगे। तो एक लेयर बनाने में हमें 4 ब्रेड की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से हम अपनी ब्रेड सारी तैयार कर लेंगे। अब जो शुगर सिरप है, तो इसमें जो शुगर थी वो पूरी तरीके से मिल चुकी है अच्छी तरीके से। तो इसमें मैंने वनीला एसेंस की 2 बूंदें डाल दी हैं। अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे या थाली या कुछ भी आप ले सकते हो, उस पर थोड़ा सा हम ये गैनाश लगा देंगे जो कि हमने ओरियो बिस्किट से बना करके तैयार करी थी। तो अब हम ब्रेड के स्लाइसेस इस पर रखेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा केक है वो हिलेगा नहीं, अच्छे से चिपक जाएगा प्लेट या थाली में। आपको जिस किसी पे के ऊपर भी बनाना हो उसके ऊपर आप ये लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 लेयर ब्रेड की लगा दी है। अब जो मैंने शुगर सिरप तैयार करा था वो इसके ऊपर हम लगा देंगे अच्छे से। इससे क्या होगा, जो ब्रेड होती है ना वो हल्की सी हार्ड होती है और शुगर सिरप लगाने से ये एकदम से सॉफ्ट हो जाएगी ब्रेड। तो इसलिए हम अच्छे से शुगर सिरप लगा देंगे पूरी ब्रेड में। इससे जो हमारा केक है वो काफ़ी एकदम सॉफ्ट बनेगा। तो अब जो मैंने ओरियो बिस्किट की गनाश बना करके करी थी तैयार, तो वो हम लगा देंगे। तो हमें क्या करना है, इसकी काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी है, बस स्प्रेड करना है बिल्कुल पतली लेयर में और पूरे में हमें अच्छे से स्प्रेड करना है इसको। लेकिन जो लेयर है वो हमें काफ़ी पतली रखनी है।
तो इसके ऊपर एक और हम ब्रेड की लेयर लगा देंगे इसी तरीके से। और अब जो मैंने शुगर सिरप तैयार किया था वो लगा देंगे इसके ऊपर। और ये अब ये मेरी तीसरी लेयर है। तो इसी तरीके से हम अपनी चार लेयर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैंने अपनी चार लेयर कंप्लीट कर ली हैं और शुगर सिरप लगा दिया। तो अब जो हमारी जितनी भी गैनाश बची हुई थी वो हम सारी इसमें अप्लाई करेंगे अच्छे से। इसी तरीके से हम लगा देंगे और जो हमें साइड हैं उनमें भी लगाना है। तो अब हम एक चाकू की हेल्प लेंगे। आप चाकू की हेल्प ले सकते हैं या कोई स्पैचुला वगैरह से भी आप लगा सकते हैं, जिसको आपको आसानी लगे उससे आप इस तरीके से लगा दीजिए। तो मैंने जो गनाश थी वो मैंने काफ़ी अच्छे से इसमें अप्लाई कर दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको फ्रिज में रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए, फिर इसके बाद हम इसको स्मूथ करेंगे। तो मुझे करीब 10 मिनट हो गए थे, 10 मिनट बाद से मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है। तो अब हम इसको स्मूथ कर देंगे। चारों तरफ से हम अच्छे से इसको स्मूथ कर देंगे। अब मैंने एक टिश्यू पेपर लिया है, जो हमारी प्लेट थी उसमें लग गया है, तो मैं इसको क्लीन कर दूंगी जिससे कि जो हमारा केक है वो मैसी ना दिखे। तो इस तरीके से मैंने इसको क्लीन कर दिया। आप देख सकते हैं चारों तरफ मैंने काफ़ी अच्छे से ओरियो बिस्किट की जो गनाश थी वो काफ़ी अच्छे से अप्लाई कर दी है। तो अब जो मैंने जो क्रीम थी उससे मैंने तैयार करा था उससे मैं इस पर हैप्पी बर्थडे लिख रही हूँ, क्योंकि मैं ये केक बर्थडे के लिए बना रही हूँ। आप अगर बर्थडे या किसी के लिए बना रहे हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने मनपसंद कोई भी डिज़ाइन इसके ऊपर बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप अपनी क्रिएटिविटी इसके ऊपर दिखा सकते हैं। तो मुझे तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने बस हैप्पी बर्थडे लिख दिया है। और हमारा केक है जो बन करके ऑलमोस्ट रेडी है। मैंने कुछ जैम्स ली हैं, उससे हम इसको और डेकोरेट कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई और भी सामान हो वो आप इसमें लगा सकते हैं, या फिर आप अपनी अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ ये चॉकलेट बॉल्स थी तो मैंने वो लगा दी हैं इसमें। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में भी और खाने में भी, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप इस केक को एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया केक बन करके तैयार होता है। तो इसको हम कट करके देखेंगे अभी, क्योंकि मैंने ये केक बर्थडे के लिए बनाया है तो इसलिए जब बर्थडे सेलिब्रेट होगा हम तभी इसको कट करेंगे और तभी मैं आपको दिखाऊँगी। काफ़ी सॉफ्ट बना है ये केक और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आपको ये केक अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब मैं इसको कट करके दिखाती हूँ, आप लोग देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हमारा केक बन करके तैयार हुआ है और इसमें लेयर भी आ गई हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये केक देखने में भी बहुत अच्छा है और खाने में भी।